अनंतनाग में हुए आतंकियों के कायराना हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान संदीप यादव का पार्थिव शरीर उनके गांव कुलाला पहुंचा। इस दौरान कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के साथ भारी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद शहीद को कुलाला गाँव में देवास पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद जवान के 13 साल के पुत्र रोहित ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान संदीप यादव अमर रहे, जय हिंद जय भारत के नारे लगते रहे। आपको बता दें कि वीर जवान संदीप यादव ने हमले में गोली लगने के बाद पत्नी को फोन कर कहा था कि उन्हें गोली लगी है, लेकिन वो चिंता ना करें, जल्द बात होगी। लेकिन वो बात उनकी आखिरी बात बन गई। वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी उमड़ पड़े और देश के लाल को नम आंखों से विदा किया। देवास से शकील खान की रिपोर्ट।